आपके पास मैं रोहन गुप्ता जी आना चाहती हूं। फंस गए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहकर? सर ऐसे ही रावण गुजरात में भी उन्होंने कह दिया था, क्यों इस तरह की भाषा बोलनी है जिस पर बाद में सफाई देना होता है? उन्होंने स्पष्ट कहा, मोदी जी की तुलना उन्होंने की जहरीले सांप से। आपको नहीं लगता है कि आप ही के नेता नुकसान पहुंचा देते हैं, सेल्फ गोल कर देते हैं? अन्ना जी, मेरा मानना है कि भाजपा कर्नाटक में फंस चुकी है। जिस प्रकार से गृह मंत्री की मजबूरी हो गई, जो दंगे वाला बयान उन्होंने दिया, वो देश के गृह मंत्री है, उनको मालूम है पूंछ में आज 20 तारीख को 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पूरे देश में नफरत फैल रही है, उसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, तब दिल्ली में हमारी बहनें वहां पे हड़ताल पे बैठी है, वहां उसके लिए स्मृति जी के बोलने के लिए कुछ नहीं। देखिए, जो इतने इनके बेरोजगार मंत्री हैं सारे, वो समझ चुके हैं कि कर्नाटका में भाजपा बुरी तरह हार रही है। जो 40% कमीशन का जो टैग है, वो जनता के दिल में छप चुका है। अब इनकी मजबूरी है कि नफरत फैलाएंगे, जहर फैलाएंगे, और कर्नाटका में लास्ट 10 दिन में जो फायदा इस जहर से हो उसका प्रयास करेंगे। नया क्या है? भाजपा हर स्टेट में जहां पे जाती है, आखिरी 10 दिनों में उनका एक ही एजेंडा होता है कि कैसे भी जहर फैलाओ, कैसे भी रिएक्शन लो, और उस रिएक्शन पे अपने कमल को कीचड़ में फूलो फैलाओ। पर ये नहीं होगा। कर्नाटक का अपना मन बना चुका है। मैं कई दिनों से यहाँ पे हूँ। जो हमारी 4 गारंटी है अंजना जी, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, जो जनता की आवाज है, जनता ये चाहती है कि जनता को, कर्नाटक की जनता को क्या मिलेगा? आप जो बड़े बड़े वादे कीजिए, बातें कीजिए, 5 साल से आप सरकार में थे, आपके पास कोई भी एक मुद्दा नहीं है कि अपनी बात को कर रखने के लिए जनता के सामने? आप अपनी उपलब्धियां लेके जाइए। मैं चैलेंज के साथ नेशनल टीवी में कहना चाहूंगा कि 90% वादे, एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड, आप ही से सवाल है, आप अपना पूरा करिए, इसके बाद फौरन आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। ये योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कह रहे हैं, नो कर्फ्यू नो दंगा, सब रहेगा चंगा, डबल इंजन लाइए। वो दंगा मुक्त शासन को अपना एक एजेंडा बना रहे हर राज्य में, इसमें वो भड़का कैसे रहे हैं? आपको मैंने रिपोर्ट में दिखाया था, कम से कम 5 इंडियन पीनल कोड की 5-6 धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है गृहमंत्री अमित शाह पर। ये दावा तो वो लोग हर जगह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत दावा है। आप देखिए, किसी तूफानी बच्चे को आप मॉनिटर बना दो तो क्लास में कुछ नहीं होगा, ये वही हाल है। आज ये कहना कि नहीं, कांग्रेस के आने से दंका भड़केगा, मुझे बताइए, किसी भी देश के गृह मंत्री का किसी भी राज्य में जाके चुनावी मुद्दा इसको बनाना योग्य है? मुझे बताइए, कोई भी पैमाने से। आज भाजपा जो लोग स्पीच लेते हैं, राहुल गांधी जी की एक स्पीच पे आज उनका सांसद पद रद्द कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री ने जो ये बयान दिया है वो बेजिम्मेदार है? क्या उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने FIR फाइल की है। आप चुनाव लड़िए, मुद्दों पे लड़िए। आपको मालूम है कि नफरत फैला के आपको चुनाव जीतना है, और आप देश की शांति को भी आप उस मामले के लिए खराब कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी सत्ता भाजपा के खिलाफ कोई भी पार्टी की हो सकती है कि मजबूरी में भी देश की शांति को खराब करके भी, कर्नाटक की शांति को हिला के भी, वो अपनी सत्ता बचाने की जो प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से विफल हो गया। जनाजी सुधांशु जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भड़का रहे हैं आप लोगों को, इसीलिए 5 धाराएं लगाई गई जिसके नेता ने दावा किया। देखिए, ये वो पार्टी है जिनके नेता ने दावा किया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं और जहरीले सांप वाला बयान लेके आया हूं। गजब की मोहब्बत की दुकान है, इतना जहर बुझा बयान है, इतनी जहरीली जुबान है और मोहब्बत की दुकान है। इसीलिए हकीकत में आपके दिल की आरजू बार बार लबों पर आ ही जाती है, और यह सच है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राज्यसभा में भी बोलते हुए बहुत बार सुना है। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तभी उन्होंने रावण वाला बयान दिया, उसके बाद ये दिया। अब या तो उसके बाद उन्हें कोई निर्देश मिलता है ऐसा बयान देने का, अथवा आपकी कुर्सी की फितरत ही ऐसी है। जैसे कहा जाता था विक्रमादित्य के सिंहासन पे जो बैठेगा वो न्याय ही करेगा, तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी कुछ ऐसी है, जो बैठेगा वो जहरी उगलेगा, चाहे मौत का सौदागर हो और चाहे लेकर यहां वाला बयान हो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपने कहा कि कर्नाटक के अंदर अगर ईमानदारी से आपके पास बोलने के लिए कुछ होता, आप गृहमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अरे बाकी तो छोड़िए, आपने तो अपने नेता को दंगे में नहीं बचाया। आपके अनुसूचित जाति के नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पर PFI वालों ने अटैक किया, आपकी सरकार थी, क्या हुआ? पीछे हट गए छोड़ के। जैसे ही एक विशेष समुदाय दिख जाता है, फिर क्या SC, क्या ST, क्या OBC, छोड़ो सब। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी बोल तो रहे थे, अगर एक ही राज्य था कश्मीर, वहां SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं, खत्म। जहां पर माइनॉरिटी का वर्चस्व आ गया, जामिया मिलिया अलीगढ़, SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म। और यहां पे आप कहते हैं संख्या बताओ भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जात पात में तोड़ के रखो और संख्या। मैं पूछना चाहता हूं,
ये मंडल कमीशन का साहब ने ठीक ही कहा ना सर, कांग्रेस ने 43 साल तक तो नहीं राघव ने दिया। आ रही हूं सैयद साहब, तो ईश्वरप्पा साहब ने ठीक कहा बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग आते ही सबसे ज्यादा अगर हाईलाइट कर रहे हैं कुछ तो ये कि 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो बाकियों का। मैं इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं अंजना जी, हम बहुत पीड़ा के साथ कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग पढ़िए जाके, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, मुस्लिम आरक्षण का विषय आया था, एक एक व्यक्ति ने डिस्कशन किया था, बाबा साहब अंबेडकर के बने संविधान में मुस्लिम आरक्षण खारिज किया गया था, सरदार पटेल ने क्या कटु शब्द बोले हैं मुस्लिम आरक्षण के लिए, यह कहा गया कि भाईचारा इससे रहेगा, उन्होंने कहा ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए। क्या मजाक उड़ाते हैं संविधान की आत्मा का, क्या मजाक उड़ाते हैं सरदार पटेल की भावनाओं का, क्या मजाक उड़ाते हैं बाबा साहब अंबेडकर का, और एक नहीं आधा दर्जन बार देश के सर्व न्यायालय हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, आंध्रा हाईकोर्ट से लेकर तमाम हाईकोर्ट। मगर वो चाहिए, वो किस लिए चाहिए कि देश में आग लगानी है। और चलो आरक्षण तो अलग है, सिद्धारमैया की सरकार ने 1700 पीएफआई के लोगों पर से मुकदमे विड्रॉ किए थे, और अब तो पीएफआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। एसडीपीआई के इनके प्रदेश के अध्यक्ष अब्दुल माजिद का बयान है कि हमारे ऊपर दबाव है कांग्रेस से कि कैंडिडेट विड्रॉ कर लो। इनके एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी बोल चुके हैं 2018 में हमारा तो इनके साथ अलायंस था, फिर दंगे का क्या माहौल। ये तो पीएफआई वाले वही है ना, इन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग है, आपने आतंकवाद के आरोपियों से केसेस या दंगे के आरोपियों से केसेस विड्रॉ किए थे। जब आपकी सरकार आएगी तो उन्हें नहीं लगेगा सैया हुए कोतवाल अब डर का एका, तो वो सब होगा ही। जो भी कहा है गृहमंत्री जी ने और जो हमने कहा, एक और आपके स्टार प्रचारक कितने मजेदार है, एक लाइन पूरी कर लूं अंजना जी, स्टार प्रचारक इनका कौन है, एक लाइन पूरी कर लूं अगर अनुमति। बोलिए बोलिए। ये कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी हैं, जो बाहुबली और दंगाइयों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ चुके हैं, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद से लेके शहाबुद्दीन तक, और उसके बाद ये कहते हैं ये साहब मोहब्बत की दुकान सजाएंगे और उसके बाद आप एक सुख और शांति की बात लाएंगे।